अरे मेरे दोस्तों, आज फिर कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे फिर दो हिस्से शो को करना पड़ेगा। तो रोजलीन आपदा मिर्जा साहब की मैं गजल पढ़ रहा था, चलते हैं चाले बहुत शौक से, चलते हैं चाले बहुत शौक से, खुद पे आती तो लोग डर जाते हैं। वो लोग जो बुराइयां बहुत करते हैं, बहुत बुरा करते हैं और बड़े शौक से करते हैं, लेकिन जब उन पे खुद पे आती है तो लोग डर जाते हैं। जब उन पे बुराई आती है, जब खुद इन बातों को वो कर रहे होते हैं और फिर जब उनकी बारी आती है तो फिर वो डर जाते हैं। यू बहुत दूर मंजिल है, लेकिन फहद, वो फहद साहब हैं। यूं बहुत दूर मंजिल है, लेकिन फहद, हम सफर क्यों पल भर में बिछड़ जाते हैं। बिल्कुल। और हम सफर, हम दोस्त, हम जो हम वाला, हम प्याला, जो भी थे, जिंदगी के दोस्त, जिंदगी के साथी भी बिछड़ जाते हैं, मियां बीवी दोनों में से कोई ना कोई। तो जो भी जिंदगी के हम सफर होते हैं, वो किसी ना किसी हवाले से बिछड़ जाते हैं। उसके बाद सिदरा रॉबन ने बहुत अच्छी पोस्ट डाली, खुदा पर ईमान बहुत से बंद दरवाजे खोल देता है। बिल्कुल। अगर हम अपना पुख्ता ईमान खुदा यीशु मसीह, खुदा बाप और खुदा बेटे और रूहुल कुदस पर रखते हैं, तो कोई भी हमारे जो बुरे दिन हैं या दरवाजे बंद से मतलब ये कि हम कई वक्त हमारे वास्ते जो बुरा वक्त होता है, लेकिन वो कई बार खुदा जो है, खुदा पर ईमान रखने से, भरोसा रखने से वो हमारी बुराई खत्म हो जाती। वो जो मुश्किल वक्त, जो दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं और हम खुदा की मेहरबानी से जो कुछ चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। उर्दू गजल मोहब्बत, ये मोहब्बत बदसूरत लोगों पे मेहरबान हो जाती है। और बिल्कुल ये सही बात है। आप देखें, आप इधर देखें कि मोहब्बत कितने बदसूरत, जिनको हम कहते हैं कि यार ये कैसे, और लोग उनसे भी मोहब्बत कर ले। क्यों? इसलिए कि वो उनके चेहरे तो खूबसूरत नहीं होते, लेकिन उनके दिल बहुत खूबसूरत होते हैं, दिल बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि अक्सर जिनके चेहरे बहुत खूबसूरत होते हैं, उनके दिल बहुत बदसूरत होते हैं, इसलिए कि वो ज्यादा बुरा करते हैं, बुराई करते हैं, और इस चीज को वो याद नहीं रखते कि बुरा करेंगे तो बुराई होगी और बुराई का बदला तो जो है वो मिलेगा। क्योंकि अगर हम गुनाह करते तो खुदा खुश तो नहीं होता। हम नेकियां करेंगे, उसकी हम दोस्ताश करेंगे, पाक कलाम की बातें पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो फिर जो है हमें, हमारे चेहरे खूबसूरत रहेंगे और बदसूरत दिल से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद सुनहरी अल्फाज हैं, सच्चा इंसान थोड़ा जज्बाती जरूर होता है, लेकिन मुनाफिक बिल्कुल नहीं होता। और ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है कि जो सच्चा इंसान बहुत जज्बात होता है, क्योंकि वो झूठ को नहीं सुनता। जहां झूठ उसने सुन लिया, वहां पर वो हफ्ते से बाहर हो जाता है और बहुत बुरी तरह फिर वो बोलता है। और वो कभी भी मुनाफ़िक़त की, झूठ की बातें, बुराई की बातें नहीं बर्दाश्त कर, क्योंकि उसके ज़हन में ये होता है कि अगर मैं बुरा करूंगा तो फिर बुराई का बदला तो मुझे मिलेगा। आखिर में जो गजल खूबसूरत, सैमसन वारिस गिल साहब लिबिया से, तो बलादते मसीह के हवाले से या हमदे मसीह के हवाले से उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा। बलादते मसीह दिल और जान से मनाने के दिन आए हैं, विलादते मसीह दिल और जान से मनाने के दिन आए हैं, दिल की मुरादें और बरकतें पाने का महीना है। वाकई आज फेसबुक पे कोई मिलता भी है, सुबह मुझे मेरा डीकन मिला चर्च गए तो मैंने उसे कहा भी हैप्पी दिसंबर, बड़ा खुश हुआ, बड़ा हंसा। और फेसबुक पे भी, मैसेज में, मैसेंजर में भी काफी लोगों ने इसका जिक्र किया है। और बहुत सारे शायर हजरात लिखते भी हैं दिसंबर के हवाले में। और ये महीना जो दिसंबर का महीना, वो इसी हवाले से कह रहे हैं कि ये खुशियों का महीना, ये बरकतों का महीना। क्यों? इसलिए
कि जो बरकतों का महीना है वो खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है, वो आ रहे हैं बरकतें देने के लिए, फजल देने के लिए, बहुत सारी रहमतों के हवाले से और बहुत सारी जो फजल है उस हवाले से। ये जो महीना है बहुत खूबसूरत है, दोनों जहां का नूर चरनी में मजस्सम हुआ है, दोनों जहां का नूर चरनी में मजस्सम हुआ है। सारी दुनिया में ये खबर फैलाने का महीना है, क्योंकि दोनों जहां का मालिक खुदा बाप खुदा बेटे का बेटा दोनों जहां का मालिक है, कुल जहां का मालिक है, वो चरनी में आए हैं और वो चरनी में पैदा हुए हैं, मजस्सम हुए हैं। और कोई जगह नहीं मिली थी, तबेले में इसको जगह मिली, उसकी माँ ने उसी जगह उसको जन्म दिया और उस चरनी में उसको रख दिया और उसको सबूत आज भी मौजूद है, वो सब कुछ उसी तरह रखा हुआ है और उसके ऊपर एक चर्च बना दिया गया ताकि लोग आए देखें कि इस जगह पर जो बादशाहों का बादशाह था, जो जिसकी कुल दुनिया की हुकूमत है, जिसकी वजह से बादशाह बनते हैं, जिनकी वजह से हुकूमतें आती हैं, वो खुदा का बेटा एक चरनी में पैदा हुआ, उसको किसी जगह पे कोई जगह ना मिले। मगर इसको भी कहो कि खुदा का बेटे को भी किसी ने जगह ना दी, क्योंकि इंसान वो तो उस वक्त गरीब था, गरीब की हालत में था, क्योंकि यूसुफ आम कोई गाड़ी पे तो था नहीं, वो एक गधे पे सवार था, तो जो गधे की सवारी है तो जाहिर है गरीब आदमी की, लेकिन उसने चन्नी में पैदा होकर चन्नी में एक हलीमी का कि बादशाह कैसा भी हो वो बादशाह ही होता है, इसलिए उसको जो चन्नी में जगह मिली। बतने मरियम से हमारे लिए राह निजात निकली है, बिल्कुल माँ मरियम के बतन से, माँ मरियम के पेट से जो खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा था वो पैदा हुआ और हमें खुदा से जो बतने मरियम से हमारे लिए निजात निकली है, भटके हुओं को ये राह दिखाने का महीना है। बिल्कुल जो भटके हुए, जो बुराइयों में गुनाहों में बहुत बुरी तरह भटके हुए हैं, तो वो उनको ये राह दिखाने का महीना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम की बातें, मुंह की बातें अगर हम उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन पर अमल करते, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है, पाक साफ रास्ता है, खूबसूरत रास्ता है। उसके बाद बरगश्तगी से हमें खुदा से दूर कर रखा था, मन से उसके करीब आने का मीना, जिस हम जो खुदा से दूर हो चुके थे, अंधेरे में डूब चुके थे, तो अब वो जब के आ गया है, जिन लोगों ने शैतान ने इंसान को बुतों में डाल बुत परस्ती में डाल दिया था, उनको दूर करने के लिए, मन से उनको करीब करने के लिए जो खुदा यीशु मसीह आ गया है, और हमें उसको अपने दिलों में, ये नहीं कि चरनी में या चर्चेज में या नए कपड़े पहन के चरनी, जो घरों में चरनियां या क्रिसमस, वो ठीक है, वो तो उसकी बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन दिलों में अगर हम दसाएंगे, अपने दिल की चरनी में उसको जगह देंगे, तो वो ज्यादा खूबसूरत होगी। सारी कदूरतों से तुम खुद को आजाद कर लो, सारी कदूरतों से तुम खुद को आजाद कर लो, अब शैतान को दिल से भगाने का महीना है। बिल्कुल हमको हर किस्म की बुराई से जो भी हमारे दिलों में है, शैतान, उससे शैतान से हमें आजादी लेनी है, ताकि वो जो हमसे बुराइयां कराता है और वो जो हम बुराई करके बुरे मानते हैं और बुराई का बदला मिलेगा, तो हमें उससे आजादी लेनी चाहिए। हर हाल में हमें उससे जो उसके चंगुल में फंसे हुए निकला होगा और अपनी कदूरतों से, अपनी जो हमारे दिलों में एक दूसरे के खिलाफ बुराइयां रखते हैं, अब शैतान को दिल से भगाने का महीना है। तो हम जरूरी नहीं कि महीने दिसंबर में ही शैतान को भगाएं, हमें सारा साल खुदा बाप और उसके बेटे को और उसके पाक कलाम की बातों को याद करते हुए हमें शैतान को बहाना है। वारिस के साथ मिलकर तुम भी चल पड़ो,
वारिस के साथ मिलकर तुम भी चल पड़ो जिक्र पाक उसका उसका सुनने सुनाने का महीना है। बिल्कुल हम सब मिलकर उसका जो वारिस के साथ मिलकर वारिस गिल साहब सैमसन वारिस और वारिस वो तखल्लुस भी कहते हैं कि हम उसके साथ मिलकर जिसने इतना खूबसूरत कलाम लिखा है, खुदा की बातें लिख ली, खुदा के हवाले से चन्नी के हवाले से सारी खुशियां और बुराइयों को खुशियां हासिल करने के लिए और सारी बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा लिखा गिल साहब आपने। वारिस के साथ मिलकर तुम भी चल पड़ो जिक्र पाक उसका सुनने के सुनाने का महीना है। तो जाहिर है क्रिसमस का पैगाम तो खुशियों का पैगाम होता है बहुत, लेकिन साथ साथ मोहब्बत और प्यार का पैगाम और साथ ये भी गीतों में भी और पाक कलाम के बातों और जो मैसेज होता है उसमें भी ये होता है कि हमारे दिलों से जो भी किसी भी किस्म के झगड़े हैं खानदानी तौर पर या किसी के हवाले से कोई भी मसले मसाइल हैं, तो हमें उन सब कदूरतों को उन सब शैतानी बातों को एक दूसरे से इस खुशी के मौके पर कि खुदा यीशु मसीह खुद हमारे दरमियान में आ मौजूद हुआ है, तो हम हर किस्म की बुराई को हर एक दिल से बुराई को निकाल दें और खुदा यीशु मसीह के आने को वेलकम कहें, खुशियां मनाएं। जो भी खुशी इंसान करता है खुदा में बहुत करता है, तो जो मेरा शो था वो यही था कि जो बुरा करता है वो बुराई का बदला पाएगा। तो जो कुछ लोग बुरा करते हैं उनको खत्म करते, क्योंकि बुराई का बदला ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, अभी मैंने जो कुलसियों का खत पालूस रसूल का खत कुलसियों के नाम उसके चार बाप ने ये बातें पढ़ी थी के पाक कलाम की बातें जो है वो झूठी नहीं हो सकती, कि कोई भी इंसान अपने मुंह से, क्योंकि कोई इंसान किसी भी तरह से कोई भी बात अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, जिस हर एक बात जो है वो खुदा की तरफ से होती है और हमें हर लिहाज से जो है उस खुदा के कलाम को मानना होगा। और यही वाला एक बार फिर पढ़ूंगा, कुलसियों का पालूस रसूल का खत कुलसियों के नाम चार बाप उसकी 23-24 आयत और 25 में यूं लिखा है, जो काम करो जी से करो, खुदा यीशु मसीह की आमद को जी से अपने दिल से तैयारी करनी चाहिए हमें, यो ये जानकर के खुदावंत के लिए करते, जो कुछ करेंगे खुदावंत के लिए करेंगे, खुदा यीशु मसीह की आमद के लिए करेंगे, क्योंकि वो आ रहा है। चार त्वार जो है वो आमद के, और इस आमद के त्वार जो त्वार हैं हमें इसमें हमें पूरी तैयारी करनी, कपड़े हर चीज तैयार है लेकिन दिलों को तैयार करना है, दिमागों को तैयार करना है, जो पाकलाम की बातें हमें उस हवाले से सब कुछ तैयार करना है, ताकि हम अपने दिल और दिमाग और बुराइयों को निकाल कर खुदा यीशु मसीह को खुश आमद का कह सके, क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंत की तरफ से उसके बदले में तुमको मेरास मिलेगी। और जो अगर हम जो खुदा यीशु मसीह को खुदा ने भेजे तो इस दुनिया का वारिस बना के बेचा था, तो वो जब वारिस इस दुनिया का आया है तो हमें भी उसके साथ हिस्सा मिलेगा, चूंकि वो खुदा का बेटा है, हम भी खुदा के बेटे हैं, वो हमारा भाई है, तो हम बाप वो है क्योंकि वो खुदा का बेटा है, हम खुदा के बेटे हैं, तो हम आपस में भाई हुए। तो जब भाई को इतनी बड़ी मेरास मिल गई है तो हमें भी उस मेरास से हिस्सा मिलेगा, क्योंकि तुम जानते को खुदा की तरफ से उसके बदले में तुमको मेरास में तुम खुदा यीशु मसीह की खिदमत करते हो। अगर हम उसको खुश आमदीद कहते हैं तो हम इसका मतलब हम उसको हुक्मों को मानते हैं, इंसानी और इंसानियत की बातों को मानते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने उसकी खिदमत करते हैं, हम उसकी जो बातें हैं जो ईमान से करते हैं तो हम उसकी खिदमत करते हैं, क्योंकि जो बुरा करता है, यही मेरे टॉपिक है कि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा, और बुराई क्या होगी, दोजख,
जो शैतान के लिए तैयार किया गया था, और शैतान के अगर हम दोस्त बनेंगे तो जाहिर है उसके साथ बुराई का बदला, चूंकि उसका तो काम ही बुराई है, खुदा का काम या खुदा के बेटे का काम तो बुराई नहीं, वो तो बुरा नहीं करता। इंसान कितना भी बुरा कर ले, वो तो हर वक्त उसको माफ करने के लिए तैयार है। इसलिए हमें बुराई से बचना चाहिए, और कभी भी हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बुरा करता है, अगर हम बुरा करेंगे तो हमें बुराई का बदला मिलेगा, हमें उसकी सजा मिलेगी, और हमें इस बुराई से बचना चाहिए, शैतान से बचना चाहिए। वहां किसी की तरफदारी नहीं है, क्योंकि वहां पर, क्योंकि वहां है ही सच्चाई की हुकूमत है, वहां पर झूठ मुनाफ़त ऐसी कोई बात नहीं। खुदा तो कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये भी सच है कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया था। तो क्यों हम बुराई में पड़ते, क्यों बुरा करते हैं? हम सब कुछ जानते हुए पाक कलाम की बातों पर अमल ना करें तो फिर इसका मतलब है कि हम बुराई कर रहे हैं, और हम बुरा कर रहे हैं, और जिसकी सजा हमें हर हाल में मिलेगी, और इसलिए हमें हर हाल में बुराई करने से, बुरा करने से बचना चाहिए। खुदावंद आपके साथ हो। सब बीमारों के लिए दुआ करता हूं, आने वाले दिनों के लिए जो आमद के दिन शुरू हो चुके, और खुदा हमने पूरा पूरा मौका दे, खुदा तो मौका दे रहा है, हमें हर हाल में अपने आप को खुद तैयार करना है, दिलों को हर चीज को पाक साफ करना है, और खुदा आपको इन खुशियों को मनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो भी आप कर सकते हैं आमद मसीह के हवाले से जरूर करना चाहिए, और खुदा जो बदला देने वाला है वो हमें अच्छाई का बदला जरूर देगा। सब बीमारों के लिए जो भी जहां जहां पर भी बीमार है, खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती ता करे, बीमार ये बिस्तर से उठाए तो वो घर लाए, और अपने खानदान अपने बच्चों, कभी भी कोई भी बुराई इस खुशी के दिनों में, कोई गम नहीं की कोई खबर किसी तरफ से न, चूंकि फिर खुशी को गम ने खुदा नहीं बदलेगा, हमें हर हाल में खुशी में रखेगा। खुदा सबको बड़ी बरकत दे, और हमने कभी भी अपने आप से दूर ना करे, अपने आप से जुदा ना करे, अगर हम सच्चे दिल से उसको वेलकम कहेंगे तो वो जरूर हमारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करेगा। तो खुदावंद से दुआ करता रहता हूँ, आप भी करें, आने वाले दिनों के लिए करें, तो खुदा बहुत बरकत देगा। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।